कोरोना से संक्रमित होम आइसोलेटेड किए गए मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने झरना टोला सहित अन्य स्थानों पर पहुंचकर उन लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जा रहे व्यवस्थाओं से अवगत हुए और होम आइसोलेटेड किए गए मरीजों से मुलाकात कर उनके वार्ता की और शासन द्वारा उपलब्ध किए गए दवाओं और जाँच की प्रक्रिया की जानकारी ली। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोरोना की जंग में जिला प्रशासन आप लोगों के साथ है। होम आइसोलेटेड में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराएं जिससे समय रहते उपचार हो सके। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया। कोविड नहीं थी, नहीं पहले बाहर से आए थे। अच्छा, वो बाहर वाला था। अच्छा, वो हां वाला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप पहले रूम में रहे हैं, आपका सेक्रेटरी रूम स्टैंड है, मास्क लगा हुआ है, तो आप भी कोई तो चीज कर लेते हैं। लगा के और डॉक्टर को ऑर्डर दिया था, आपका मेडिकल ऑर्डर किया है, इसे देख लिया था। कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो कोई नंबर है आपके पास? हां सर, 5 नंबर है। ठीक है, इनको 15 ये देखिए, अभी आपको सीएमओ का मिलना है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरे जिले के चिकित्सा खुद आए हैं, एकदम ड्यूटी से लड़ना है, ठीक हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झरना टोला है, मैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर सीएमओ गोरखपुर के साथ हम दोनों ने तकरीबन 3 घंटे अलग अलग कोरोना पेशेंट से हम मिले हैं। तो मुख्यतः जो हम जानना चाह रहे थे कि कैसे उनके पास रैपिड रिस्पांस टीम आ रही है कि नहीं आ रही, जो हमारे पीएचसी के अधीक्षक हैं उनके द्वारा उनको मेडिसिन दी गई कि नहीं गई, रेगुलर कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जो आशा हमारे बहने हैं वो वहाँ पर जा रही कि नहीं जा रही, और उनके पास फ़ोन नंबर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है, ये देखने गए थे हम लोग। तो हमने जितने भी पेशेंट से मिले सबके पास ये सब चीज़ें पाई गई। 2 पेशेंट थे जिनके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर किया है ऑनलाइन, वो आ जाएगा, वो कल पॉजिटिव आए थे। तो हमारे पीएचसी में भी पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है, तो आशा में उन्होंने बताया कि वो यंग है तो उनके ऑक्सीजन नॉर्मल पाएंगे, वो चेक किया था हमने। सर, जो हम क्वारंटाइन है उन लोगों से मुलाकात भी की, उन लोगों से भी बात की है? हाँ, उनसे ही बात की है कि होम क्वारंटाइन है जो कोरोना पॉजिटिव है, तभी उनके घर पे ही गए थे हम लोग। तो उनका यही कहना है कि उनको सब मेडिसिन दी गई है, और एक जगह रैपिड रिस्पांस टीम जहाँ आज उनको जाना था नहीं गई है, तो आज हमने उनको पूछा गया है कि क्यों नहीं दी गई, उनका शो कॉज किया गया, कल वहाँ पर भी सुबह टीम चली जाएगी। और इसके अलावा जो डोर टू डोर सर्वे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी ही, आज भी हुआ है, कल उसको और पूरा क्षेत्र में किया जाएगा, ताकि जो ऐसे लोग जिनको कोई पहले से ही प्रॉब्लम है या कोई गंभीर बीमारी से संक्रमित है उनको कोरोना से बचाया जा सके, या जिनका जो एज ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा बीपी शुगर है, तो उनका हम टाइमिंगली टेस्ट करा के उससे बचाव कर पाएँ।